दोस्तों आज से 3 हफ्ते पहले अंतिम द फाइनल ट्रूथ फिल्म के जो डायरेक्टर हैं महेश मांजरेकर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ रिलीज होगी दीपावली के मौके पर। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ की जो ओरिजिनल रिलीज डेट है उसके बाद इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ जिस फिल्म में हमें मेगा स्टार सलमान खान, आयुष शर्मा देखने को मिलेंगे, ये फिल्म पहले दीपावली पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को रिलीज किया जाना है 26 नवंबर को। जी हां दोस्तों, अब ये फिल्म दीपावली के 2 हफ्ते बाद रिलीज होगी। इसके पीछे की वजह दोस्तों यह है कि हाल ही में अंतिम फिल्म में सलमान खान के कुछ और सीन को ऐड किया गया है, जिसकी शूटिंग सलमान खान ने इसी हफ्ते की थी। बताया जा रहा है दोस्तों कि पहले अंतिम फिल्म को OTT, G5 और सिनेमाघर दोनों में एक साथ रिलीज किया जाना था, लेकिन यहाँ पे सलमान खान ने अंतिम फिल्म के मेकर्स को कहा कि पहले अंतिम फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए, उसके बाद ही इस फिल्म को OTT पे रिलीज किया जाए, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे अंतिम फिल्म में सलमान खान के जो सीन्स है उन्हें थोड़ा बढ़ाया गया है। तो दोस्तों पहले अंतिम फिल्म अगर दीपावली के मौके पर रिलीज होती तो इस फिल्म का मुकाबला अक्षय कुमार की सूर्यवंशी से होना था, लेकिन अब अंतिम फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होगी तो इस फिल्म का जो मुकाबला है वो जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 से बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सत्यमेव जयते भी एक मास मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है, वही दूसरी तरफ अंतिम भी एक मास एक्शन मसाला फिल्म है। तो अगर दोनों ही फिल्में 26 नवंबर को रिलीज होगी तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सलमान खान की अंतिम और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है अंतिम और सत्यमेव जयते 2 में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।